नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आपकी पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे इन्फेंटाइल ट्रेमर सिंड्रोम के बारे में। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफेड होते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड कि हम बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं की गई, वीनिंग स्टार्ट नहीं की गई, तो इसके कई दुष्प्रभाव भी बच्चों में देखने को मिलते हैं, और एक्सक्लूसिवली उन बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनकी मदर्स वेजिटेरियन होती हैं। और वेजिटेरियन मदर्स अपने बच्चों को 6 महीने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपने दूध पर ही रखती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बच्चों में कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हैं और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्फेंटाइल ट्रेमर सिंड्रोम के बारे में। ये जो बीमारी है ये 6 महीने से 2 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके सबसे ज़्यादा सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, उनके हाथ पैरों में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, नकल्स में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उनके बाल जो होते हैं वो ब्राउनिश गोल्डन कलर के हो जाते हैं, और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। बच्चों का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है वो धीरे 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 गिरता चला जाता है। जो माइलस्टोन बच्चे अचीव कर लेते हैं, बैठना, घुटनों से चलना, वो भी धीरे धीरे वो बंद कर देते हैं, एपैथिक हो जाते हैं। उनके मुँह में छाले हो जाते हैं, जीभ लाल हो जाती है, और बहुत सीवियर कंडीशंस में अगर इस बीमारी को समय पर नहीं पकड़ा गया तो बच्चों में ट्रेमर्स भी शुरू हो जाते हैं, जिसको इन्फेंटाइल ट्रेमर सिंड्रोम बोलते हैं। बच्चों को खून की कमी हो सकती है, अनिमिया हो सकता है, और मेनली विटामिन B12 डिफिशेंसी होती है। अब ये बीमारी क्यों होती है? मदर्स जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पर हैं, उनके दूध में भी विटामिन B12 की कमी होती है, और ये जो कमी है ये बच्चों में हस्तांतरित होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। अगर 6 महीने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं की गई, ऊपर का खाना पीना चालू नहीं किया गया, तो ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। मेनली 4 तरीके के जो डेफिशिएंसीज हैं वो देखी गई हैं इसमें, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमको सप्लीमेंटेशन करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, हमें कम से कम 4 से 5 बार हमको ऊपर का खाना देना होता है, जिसमें दाल दलिया, चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, ऊपर का दूध, मिलेट, सब तरह के अनाज, सब तरह के फल शामिल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उसके कुछ टेस्ट कराइए, अगर विटामिन B12 लेवल माँ का भी कराइए, माँ का विटामिन B12 लेवल भी कम हो सकता है, बच्चे का विटामिन B12 लेवल भी कम हो सकता है, और फिर विटामिन B12 को सप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है हमको। विदिन अ मंथ ऑफ स्टार्टिंग दिस ट्रीटमेंट बच्चे के जो जनरल कंडीशन है वो इम्प्रूव होने लगती है, उसके खून की कमी इम्प्रूव होने लगती है, उसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, उसका जो नकल्स का हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिजॉल्व होने लगता है, बच्चा मोर एक्टिव हो जाता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, खाने की तरफ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमको बच्चे में 1 महीने के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो जितनी जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ लें उतनी जल्दी ही हमारे बच्चे के लिए डेवलपमेंट अच्छा। अगर बहुत लेट हम इस बीमारी को पकड़ते हैं तो MRI में, CT स्कैन में सेरेब्रल एट्रोफी आने लगती है, ब्रेन का विकास जो है वो कम होने लगता है। बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, माँ का दूध ही पिलाते रहेंगे, तो हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो जो क्रक्स है आज की वीडियो का वो ये है कि 6 महीने के बाद में बच्चे को अनाज, दालें, घी, पनीर, ये सब स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे में जो दूसरी डेफिशिएंसीज हैं वो क्रिएट ना हो, और उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अप टू द डेट रहे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू गाइस।